जी अब फिश लेकर आए थे, इसे नमक और अजवाइन लगी हुई थी, वो अब हम इसे धो रहे हैं। अब हमने धो लिया इसे जी, अब इसे हम मैरिनेट करेंगे मछली मसाले के साथ। ये हम जी फिश मसाला लेकर आए हैं, ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल सकते हैं। आज इस मसाले के अंदर हम कुकिंग ऑयल, जो घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो इस मसाले के अंदर डालेंगे। सिर्फ फिश मसाला है और कुकिंग ऑयल है, ये डालेंगे और एक पीएससी बन जाएगी। जब ये पीएससी बन जाएगी, ये फिर सारी फिश के ऊपर हम लगाएंगे। और ये किसी भी अच्छी कंपनी का फिश मसाला ले लेना। ये मसाले के अंदर ऑयल खाने वाला मिक्स कर रहे हैं फिश मसाले के अंदर। इससे बड़ा अच्छा जो है इसके अंदर मसाला एक मछली के अंदर उसका टेस्ट थोड़ी जान से हो गया। दूसरा ये है कि ऊपर से मसाला उतरता है, रात में से अच्छी तरह मिक्स कर लेना जी ऑयल के अंदर और फिर उसके ऊपर मछली को पलट देना। जी मसाला ला के बिल्कुल आप तैयार है, मसाला ला के जी आप रेडी है बिल्कुल। हमने शाम और नाश्ते को मिक्स करके एक नई रेसिपी बनाई है। से हो गया जी 10 मिनट पकते हुए, आपने आहिस्ता आहिस्ता साथ में इसकी साइडें भी चेंज करते जाना ताकि ये जल ना जाए। अब इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे और जब ये पक जाएगा हल्का हल्का 10 मिनट से हो चुके होंगे, फिर आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है। तो ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, काम कर जाए। ऊपर से फिश की स्किन उतार रहे हैं जी। अब इसकी स्किन उतारने के बाद हम दोनों फिश को अलग-अलग रखेंगे ग्रिल के अंदर। आप एक जगह पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग-अलग कर लिया।